सो गाइस, क्या आपको याद है कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले मैंने एक वीडियो शूट किया था, उस वीडियो मतलब एक वीडियो अपलोड किया था मैंने यूट्यूब पर। और उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से हम कि मतलब जो ये किस तरह से हम ये जो गैस लाइटर होता है, हम इस गैस लाइटर की मदद से पेट्रोल, जी हाँ दोस्तों, हम इस गैस लाइटर की मदद से पेट्रोल को आग लगा सकते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी यहाँ पर जो आपको आई बटन दिख रहा होगा यहाँ पर, उस वीडियो पर मतलब उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन पर आप अभी के अभी क्लिक करो और उस वीडियो को देख लो। तो आज की वीडियो क्या है दोस्तों, जैसा कि यार आपको शायद पता ही होगा कि जो पेट्रोल होता है, देखो ये जो पेट्रोल है ये सच में काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि ज्वलनशील होता है। तो दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो हम क्या करेंगे, पहले आपको सारा कुछ शुरू कर देते हैं, शुरू भी करेंगे आज की वीडियो। लेकिन पहले सुनो, मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा एक प्लास्टिक का एक कंटेनर है, मैं इसके अंदर क्या करूँगा, थोड़ा सा पेट्रोल डालूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, शायद इतना काफ़ी रहेगा हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल थोड़ा सा और डाल लेते हैं, मैंने इसके अंदर पेट्रोल डाल लिया हुआ है। अब आज का एक्सपेरिमेंट क्या है, हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों सीरीज ही बात है यार, ये जो लाइट बल्ब होता है, अब थोड़ा रिलेट करना क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जो लाइट बल्ब होता है आपको पता ही होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि यार जब हम इस बल्ब को काफ़ी ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते हैं तो ये जो बल्ब होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, ये बहुत बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। हीट होने का मतलब ये जो बल्ब है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हीट की वजह से यहाँ पर थोड़ा जो बल्ब है मेरा ये ब्लैक हो चुका है। मतलब ये जो हीट होती है इस बल्ब की वो बहुत ज़्यादा होती है, इतनी हीट होती है कि यार आप इसको अपने हाथों से पकड़ भी नहीं पाते। तो मतलब मेरा ये मानना है, यानी कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि जो इसकी हीट होती है, अगर मान लो हम इस एक बल्ब लें और उस बल्ब को हम इसके अंदर डाल दें, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक बल्ब जब वो हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा तो वो पेट्रोल को आग लगा सकता है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मतलब शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप अगर पेट्रोल को मतलब किसी लाइटर या फिर किसी माचिस के बिना भी अगर आप जलाना चाहो तो मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हो, पेट्रोल को आप ज़रा सा हीट कर दो, मतलब कि पेट्रोल को थोड़ा सा गर्म भी कर दोगे अगर आप, तो जो पेट्रोल है वो आग पकड़ लेगा, यानी कि पेट्रोल को हीट करने पर ही वो आग पकड़ लेता। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने लाइट बल्ब लिया और उसको पेट्रोल के अंदर ऑन कर दिया तो शायद उसकी हीट से पेट्रोल गर्म हो जाए और उससे पेट्रोल में आग लग जाए, यानी कि पेट्रोल को आग लग सकती है। तो इसी चीज़ का आज हम टेस्ट लेंगे, यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट आज हम ट्राई करके देखेंगे कि ऐसा करने में सच में ऐसा कुछ हो सकता है या फिर नहीं। दोस्तों आज का जो एक्सपेरिमेंट है सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल है जिससे आग लग सकती है और साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से भी हम खेलने वाले हैं, तो थोड़ा सा डेंजरस आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो हो सकता है। चलो अब शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया है पूरी सेफ्टी के साथ किया गया है, तो आप ऐसा कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा, अगर करना ही है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बैटरी लूंगा और उस बैटरी के साथ में इस बल्ब को कनेक्ट करूंगा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मैं दूंगा, और फिर देखूंगा कि अगर ये बल्ब हीट होता है तो क्या उस हीट से जो पेट्रोल है इसमें आग लग पाती है या फिर नहीं। तो चलो अब क्या करूंगा मैं, इस पहले तो मैं यहाँ पर दोस्तों मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार, ये सच में कह रहा हूँ, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा इतना डेंजरस एक्सपेरिमेंट मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ा अपना कैमरा थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, देखो मैं काफ़ी जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आप देख पाएँ कि क्या होता है एक्सपेरिमेंट में। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं और कहीं आग वाग लग जाए, मतलब आप समझ सकते हो यार कितना डर लग रहा होगा मुझे अभी। ऐसा कुछ भी नहीं किया यार आज तक मैंने सच में, अब मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। राइट गाइस, तो चलो अब करते हैं हमारे इस बल्ब को ऑन, हमारे एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा है, प्लीज़ आप ऐसा सच में कह रहा हूँ आप प्लीज़ ऐसा कुछ भी घर पर ट्राई मत करना। देखो मैंने यहाँ पर सेफ्टी के लिए एक बकेट के अंदर मैंने खूब सारी मिट्टी इकट्ठी कर रखी है, जिससे कि अगर आग लगे तो मैं जल्दी से इसके ऊपर डाल दूँ और आग बुझ जाए। तो चलो थोड़ा पीछे और हटना पड़ेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है अभी तो। ये पेट्रोल वाली बोतल भी उठा लेता हूँ, इसको ना आग लग जाए,
ऑल सेट, अब सब कुछ तैयार है, हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब जल्दी से बस देरी है, तो सिंपली हमें क्या करना है, सिर्फ इस बैटरी को पहले कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये देखो ये हो गया कनेक्ट। अब क्या करूँगा मैं, सुनो यार बहुत डर लग रहा है, ये इसके साथ लग गया ठीक है। अब मैं थोड़ा और दूर हो जाता हूँ यहाँ से। अब ये देखो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, मैं कनेक्ट करूँगा, शायद उससे ज़्यादा टाइम लग जाए और शायद उससे आग लग जाए, तो मैं जल्दी से इसको यहाँ पर रख देता हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको इस वायर के ऊपर रख दूंगा और हमारा काम हो गया। एक मिनट, यहाँ पर वायर थोड़ा लूज हो गया, इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। अब ठीक है, चलो अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई, आप भी सोच रहे हो गया जल्दी से एक्सपेरिमेंट शुरू कर देना। तो बल्ब ऑन हो चुका है दोस्तों, पीछे हट जाता हूँ मैं थोड़ा, ध्यान से देखो दोस्तों आपको सच में मतलब कट कर हमारा जो बल्ब है दोस्तों। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं ये एक्सपेरिमेंट करते हुए, और अभी तक आप देख सकते हैं मैंने बल्ब भी निकाल दिया, लेकिन दोस्तों जो हमारा पेट्रोल है उसने आग नहीं पकड़ी, मतलब जो हमारा बल्ब है वो इतना ज़्यादा हीट नहीं करता, यानी कि या फिर शायद उसकी पावर बहुत कम होगी या फिर वोल्टेज बहुत कम होगी कि वो पेट्रोल निकाल रहे, लेकिन दोस्तों जो पेट्रोल है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका, मतलब इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि यार हीट हो चुका है पेट्रोल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बस देखता है कि हमें इस बल्ब की